Dear students, how are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home. Today we have to start to teach you a class 4 students and of a social study, and we have to start on the race topic related to chapter number 11, the conserving our resources. Today students, here conserving our resources. Here students, there is some things which are written here, then we have to cover it and we have to talk about different topics. सबसे पहले हम लोगों को conservation के बारे में पढ़ना था, तो हम लोगों ने conservation के बारे में पढ़ा भी, उसमें कुछ कुछ बातें थी उसको हम लोग करने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशंस उसके बारे में पढ़ाई की थी। उसके बाद हम लोग वाटर कंजर्वेशन में सबसे पहले रीज़न ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी है ना, रीज़न ऑफ वाटर शॉर्टेज, रीज़न ऑफ वाटर रिसोर्सेस, पानी शॉर्टेज, पानी की जो कमी, शॉर्ट मतलब हो जाना पानी खत्म हो जाना, पानी की लगातार आज कमी हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा इस टॉपिक में चैप्टर नंबर 11 जो क्लास 4 में है कि कंजर्व करना है यानी पानी को बचाना, हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट द वाटर दैट, बिकॉज अगर हम लोग देखें तो हमारी पृथ्वी पे जो पानी है वो मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि पानी तो भाई हमारे पृथ्वी पे 3/4 में है, लेकिन कितना अंश पानी का पीने लायक है या उसको यूज़ करने लायक है, मैंने बताया कि अप्रॉक्स 1% भी पानी का प्योर नहीं है जिसका यूज़ हम लोग अलग अलग कामों के लिए कर सकें, है ना। बात यह है कि भाई 1% भी पानी का हमारा प्योर नहीं है, ठीक है, और यही कारण है कि पानी की कमी होते जा रही है और हमें वो 1% पानी को बचाना है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे वो रिवर वाटर हो या रेन वाटर लैक हो या रिवर वाटर हो या पॉन्ड हो या वो स्ट्रीम यानी झरने हो, झील हो, झरने हो या वो क्या कह सकते हैं कि रेन हो, ये सारी चीज़ें रेन से जुड़ी हुई हैं। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, लेकिन आखिर में क्या रीज़न है कि ये सब पानी की कमी होते जा रही है और उसको बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया कि भाई ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन और जो है वेस्टेज ऑफ वाटर, ये सब कारण हैं पानी की कमी होने के। सबसे पहले तो आया पॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग,
तीसरा मैंने बताया वो है वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी की बर्बादी। भाई ये सब कारण है पानी के शॉर्टेज, पानी के घटने। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग कैसे इफेक्ट करता है, पानी को कैसे कम करने का काम करता है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले बताया है कि द वाटर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड आर रिन्यूड ड्यू टू रेनफॉल। पानी के जो स्रोत हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो हमेशा रेनफॉल, बारिश के कारण रिन्यूड होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि झरने का पानी या जो तालाबों का पानी है पॉन्ड्स में, या झीलें हैं, या ज़मीन के अंदर जो वाटर लेवल है वो, ये सब इंक्रीज कैसे करता है, रेन वाटर से। रिवर में जो पेरेनियल रिवर है, सीजनल रिवर है, उसमें जो वाटर कहाँ से आता है, रेन से आता है। तो ये सब अगर ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर, दिस राइज इन द ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा, और इसके कारण क्या होगा कि बारिश नहीं होगी और हम जलवायु जो है क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ बारिश नहीं होनी है वहाँ हो जाएगी, जहाँ होनी है वहाँ नहीं होगी। और यही सब कारण है पानी के शॉर्टेज का। ये तो पहला चीज हुआ ग्लोबल वार्मिंग। सेकंड है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है यानी प्रदूषण, प्रदूषण दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है पानी की कमी का। द वाटर इन द रिवर गेट्स पॉल्यूटेड बाई गार्बेज, ह्यूमन वेस्ट एंड द वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज। पॉल्यूशन मेक्स द वाटर अनफिट फॉर यूज। कहता है कि पानी में लोग गार्बेज फेंक देते हैं, कूड़े कचड़े फेंक देते हैं, ह्यूमन बाथ, लोग भी वहाँ उसमें नहाने लगते हैं, नदियों में नहाते हैं, उसके बाद उसमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए वहाँ पर डोमेस्टिक वेस्ट फेंक देते हैं, या जो है वो एनिमल्स को वहाँ पे एनिमल्स बाथिंग कराने लगते हैं। और प्लास्टिक सबसे बड़ा कारण है पानी के पॉल्यूट होने का। प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कभी गलता नहीं है, मिट्टी के साथ मिलता नहीं है, उसको हम वहाँ पर फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, जिससे कि पानी कहीं ना कहीं पॉल्यूट होता है, और उसे हम जब पीते हैं तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है और पानी कहीं ना कहीं स्पॉयल होना शुरू हो जाता है। तीसरा कारण है वेस्टेज ऑफ वाटर का, वो है इनॉर्मस अमाउंट में वाटर आर वेस्ट ईच डे बिकॉज ऑफ इनफिशियंट मेथड ऑफ फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आज लोग किसान खेती कर रहे हैं और किसानों के पास अलग अलग टेक्निक से जो है वो पानी को निकालने का जो है वाटर पंप आ गया है, उससे किसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहे हैं इरिगेशन के लिए। चलो भाई ये अच्छी है कि खेती हो रही है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट भी हो रहा है। दूसरी चीज़ ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है ना। दूसरी चीज़ ये कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर पानी जो है, वाटर पार्क जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारे पानी फवारे जो है वो बहते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यही सब कारण है पानी के कहीं ना कहीं वेस्ट होने का, बर्बाद होने का, क्योंकि लोगों कहीं कहीं लोगों को तो वो पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, और कहीं वो पानी झरने में तब्दील है, कहीं पानी बर्बाद हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कैसे रोका जाए, इसी के बारे में इस चैप्टर को हम लोग कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं। तो ये तो था तीन कारण, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और वेस्टेज ऑफ वाटर। और भाई इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, हाउ टू बी कंट्रोल्ड एंड हाउ टू बी कंजर्व द वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू यूज लेस वाटर टूडे टू मेक श्योर देयर इज क्लीन फ्रेश वाटर इन द फ्यूचर। कहते हैं कि पानी का जल संरक्षण का मतलब होता है कि हमें पानी को साफ पीना चाहिए,
जो भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी को कंजर्व करने का अलग अलग तरीका है। सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन के स्टेप्स को हम मैंने बताऊंगा यहाँ पर, कैसे हम लोग पानी को कंजर्व करेंगे, हाउ टू कंजर्व द वाटर फ्रॉम वेस्टेज, कंजर्विंग वाटर फ्रॉम वेस्टेज, पानी को बर्बाद होने से कैसे बचाएंगे, कैसे कंजर्व करेंगे, उसके बारे में पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा कि बिल्कुल हम एक टॉपिक वे में समझा रहे हैं आपको और आपको वो समझ में आएगा। सबसे पहले कहता है कि सेव वाटर बाय क्लोजिंग रनिंग टैप व्हेन नॉट नीडेड। आप कभी घर पे रहते हो, पानी की ज़रूरत अगर नहीं है तो बहते हुए नल से जो पानी गिर रहा है उसको कृपया करके बंद कर दे। यू हैव टू स्टॉप इट, ठीक है। क्लोज द टैप व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड, जब पानी की ज़रूरत नहीं है तो बहते टैप को खुला न छोड़। सेकेंड पॉइंट कहता है, सेकेंड स्टेप, लीकिंग टैप शुड बी रिपेयर्ड टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर। कहीं किसी पाइप से पानी फट के गिर रहा है तो प्लीज़ उसे तुरंत जो है वो वहाँ से पानी बर्बाद होने से उसे बचाएं। एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके, टेक अ बकेट बाथ रादर देन द सावर बाथ। सावर से यानी झरने से नहाने से बचें, उसके जगह पर आप बकेट बाल्टी का उपयोग करके, पानी का उपयोग करके बनाएं। वी यूज़ अ लॉट मोर वाटर वाइल हैविंग अ सावर बाथ, ठीक है। वी यूज़ हम लोगों को यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी सावर बाथ के लिए, देन व्हेन वी बाथ यूजिंग बकेट एंड मग, क्योंकि सावर में नहाने से काफ़ी ज़्यादा पानी का वेस्ट होता है, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बकेट और मग का यूज़ करें तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग आसानी से पानी को बचा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं अलग पर्पस के, अलग वे में। थर्ड पॉइंट कहता है स्टूडेंट्स, यूज्ड वाटर शुड बी रिसाइकल्ड, ठीक है। यूज्ड वाटर शुड बी रिसाइकल्ड एंड और रीयूज्ड एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। जितना हो सके पानी को रिसाइकल या रीयूज करने का सोचे, एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके। इट कैन बी रीयूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स, पानी को जैसे अगर हम लोग फलों को सब्जियों को धोते हैं फिर उसी पानी को पुनः जो है हम लोग इधर उधर फेंकते हैं नालियों में, उसको नालियों में नहीं फेंकने की ज़रूरत है, उस पानी को हम लोग वाटरिंग द प्लांट्स, पौधे में डाल देंगे जिससे कि पौधा अच्छे से उस पानी को ले लेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, वाटर प्लांट यूजिंग अ मग। जब हम लोग पानी को पौधे में डालते हैं या पौधे में पानी पटाते हैं तो मग से पानी पटाएं, रादर देन हॉस पाइप का यूज़ करके हम लोग पानी नहीं पटाएं। हॉस पाइप से ज़्यादा पानी बर्बाद होगा और मग से आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में पानी से पौधे को, ज़्यादा पौधे हैं तो आराम से आप उस पानी, एक बकेट पानी में आसानी से उसे वाटरिंग कर सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए हुए हैं आपके किताब में। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल इन टू रिवर एंड वाटर बॉडी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैसे गंगा नदी पॉल्यूट हो रही है, तो पॉल्यूशन होने का कारण है कि पटना हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, इन सारी जगहों पर गंगा नदी को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट किया जा रहा है, गंदगी को फेंक दिया जा रहा है नदी में, जिससे वो गंदगी पानी को कहीं ना कहीं ख़राब कर रही है। तो हम लोग इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर वही नदी का यूज़ करके हम लोग के घर में वही नदी से पानी आ रही है, उसी रिवर को हम लोग पॉल्यूट करें। आज कोयल रिवर है, कोयल रिवर में जितने कचड़े हैं सब वहीं जाते हैं, लेकिन भाई जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको डंप करा जाए, उसको डंप कीजिए। मतलब डंप करना मतलब ज़मीन को गड्ढे करके और उसमें कचड़े को भर दिया जाए, न कि पानी में ही प्लास्टिक को फेंक दिया जाए, कचड़े को फेंक दिया जाए, तो फिर क्या होगा, पानी पॉल्यूट होगा। और वही पानी हम लोग पी रहे हैं प्रतिदिन, वहीं से वाटर सप्लाई होता है हमारे यहाँ, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है
ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है बच्चों, ये चैप्टर जो है वो आपके जीवन से ही कनेक्टेड है। पॉल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल फॉर द क्रिएचर लिविंग इन वाटर एज वेल एज फॉर ह्यूमन बींग्स। किसी भी जलीय जीव के लिए वो काफ़ी हानिकारक है, और हमारे हम सभी मनुष्य के लिए तो है ही। तरह तरह के रोग हो जाएंगे पानी शुद्ध नहीं पिएंगे तो, डायरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, जितनी बीमारियां हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां तो पानी से ही होती है ना। नेक्स्ट, प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, दे हेल्प कॉज रेनफॉल एंड कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग ना, वे आपको बारिश से मदद करेंगे एंड कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से भी कहीं ना कहीं बचाएंगे। फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स टू शुड अडॉप्ट इफिशियंट एंड सेंसिबल वे ऑफ यूजिंग वाटर। किसान और इंडस्ट्रियल वर्कर जो है को इफिशियंट एंड सेंसिबल वे में पानी को बचाने का ज़रूरत है। किसान को, इंडस्ट्रियल वर्कर को पानी को कैसे प्रोटेक्ट करे वो सोचना पड़ेगा। ये वाटर स्प्रिंकलर होता है वो फार्मर्स यूज़ करते हैं, ज़्यादातर पंजाब इलाके में बारिश नहीं होती है, पंजाब और हरियाणा वो सब जो जगह हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश रेनफॉल नहीं होता है, तो वहाँ पर किसान क्या करते हैं कि वाटर स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं। बच्चों, वाटर स्प्रिंकलर क्या होता है कि एक खेत में पानी का जो स्प्रिंकलिंग है वो चारों तरफ मूव हो करके और पूरी तरह से पूरे खेत में बिखर जाता है और वहाँ से खेत में पानी पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे हम लोग चलेंगे वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब बात ये है कि क्या कारण है कि आज हमारा जंगल जो है वो नष्ट हो रहा है, और इस जंगल को नष्ट होने से कैसे बचाया जाए, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब हम लोग अगले टॉपिक में आ गए, वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक स्रोत है जिससे हमें शुद्ध हवा, प्योर ऑक्सीजन मिलता है। तो क्या लिखें हम यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। जंगल को कैसे बचाएं, है ना, जंगल को कैसे बचाया जाए इसके पीछे हम लोग यहाँ पर सोचेंगे। ट्रीज एज वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा ट्रीज, पेड़ों के बारे में पढ़ा, इसमें बताया गया कि मनुष्य के जीवन के लिए पेड़ कितने ज़्यादा लाभकारी है, एक तो वर्शिपिंग के लिए, दूसरे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, और भी ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन के लिए, बहुत तरह के पर्पज़ के लिए हमारे लिए जो है पेड़ आवश्यक है। इसलिए पेड़ हमारे सुख के वाहक हैं, इसलिए इसको कभी ना काटो। नाहक से यानी कि मनुष्य को बोला जा रहा है, और पेड़ जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सुख के वाहक है, इसलिए हम लोगों को कभी उसे काटना नहीं चाहिए, जहाँ तक हो सके तो उसे बचाना चाहिए, कटने से, बर्बाद होने से बचाना चाहिए। ट्रीज एज वी सा इन लास्ट चैप्टर स्टेंसिल फॉर ह्यूमन लाइफ टू प्रॉस्पर, येट ह्यूमन बींग्स हैव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। लेकिन आज आधा से अधिक फॉरेस्ट को मानव ने डिस्ट्रॉयड कर दिया है, फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, रहने के लिए घर बनाए, क्लियरिंग द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट को काट करके एग्रीकल्चरल लैंड में चेंज कर दिया और वहाँ पर खेती करने लगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर में फॉरेस्ट कैसे नष्ट हो रहे हैं, थ्रेट क्या आखिर में कारण है जंगलों के बर्बाद या नुकसान। सबसे मेन दो कारण हो सकते हैं फॉरेस्ट के नुकसान, पहला है वो है थ्रेट यानी कि नुकसान जो पहुंच रहा है, बर्बादी जो है, थ्रेट ऑफ फॉरेस्ट।
उसका पहला पॉइंट है बच्चों, वो है डीफॉरेस्टेशन, और दूसरा पॉइंट कहता है वो है फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना। जंगलों में आग लग जाने से भी पेड़ों को नुकसान पहुंचता है, या पेड़ों का को पेड़ बर्बाद हो रहे हैं। और दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को की अंधाधुंध कटाई, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो लगातार जो है पेड़ों की संख्या या जंगलों को आज घटाने का काम कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ दो कारणों से हो रही है, एक ह्यूमन सेटलमेंट और दूसरा ह्यूमन सेटलमेंट के अलावा एक और चीज़ हो गया इसमें, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए लोग फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत तरह के पर्पस के लिए, रोड हाईवेज का निर्माण करने में फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके बाद डैम का कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं, पेड़ों को कटाई कर रहे हैं। तो ये सब कारण है, और दूसरा कारण है जंगलों में आग लग जाना, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में आग लग जाना। तो जंगलों में आग, आप अभी सुने होंगे कि अमेजन में आग लगा था, अमेजन जो है दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पर जो है वो आग लगा था, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। और ऑस्ट्रेलिया में भी जंगलों में आग लगी थी। ये सब कारण ये है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने से वहाँ पर एक पेड़ दूसरे पेड़ में रगड़न खाते हैं और वहाँ पर आग लग जाती है। तो अगले स्टूडेंट्स, अगले क्लास में और बेहतरीन तरीके से हम इसको आगे जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।